आज हम वॉकिंग स्टिक्स देखेंगे, टाइनोर कंपनी की हैं, किस टाइप की आती हैं, कितने टाइप की हैं और कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं हम। सबसे पहले सिंगल स्टिक देखेंगे, सिंगल स्टिक की MRP जो है 556 है, 556 रुपये। इसको देखते हैं हम, ये है टाइनोर की सिंगल स्टिक। इसके ऊपर ये हाथ में डालने के लिए ये हैंगर भी है, रबर का इसका हैंडल है, नीचे ग्रिप देने के लिए इसमें ग्रिप बना हुआ है, अच्छा फिंगर्स के लिए। ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, इसका हाइट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये नट है एल्युमिनियम का, इसको हम लोग ओपन करते हैं लूज करके, और ये यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करेंगे और नीचे ये होल्स हैं, जितना भी हाइट आपको एडजस्ट करना है उतना होल में आप रख सकते हैं। सभी स्टिक्स में ऐसे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। जैसे ही जितना हाइट आपको रिक्वायर्ड है उतना करके इसको वापस क्लॉकवाइज टाइट कर देंगे तो ये हाइट इसका बढ़ जाता है। तो इसमें नीचे जो रबर दिया गया है ये भी अच्छा है, मतलब ये स्लिप नहीं करता है और ये बेंड होने में भी आपको फ्लेक्सिबल रबर है। ये देखिए नीचे इसको स्टिक टेढ़ी करते हैं तो रबर टेढ़ा नहीं होता है, रबर नीचे चिपका रहता है, स्लिप करने के चांसेस कम है। ये टाइनर का सिंगल स्टिक है, इसको वापस फोल्ड करेंगे, अनस्क्रू करके इसको वापस ये इसमें लॉक हो गया, इसको फिर से टाइट कर। सेकेंड स्टिक है हमारे पास, ट्राईपॉड बोलते हैं इसको, इसका MRP है 750 रुपीज। ये एल्युमिनियम फिनिश में है, ये भी एल्युमिनियम का ही था, ये पाउडर कोटेड है और ये एल्युमिनियम फिनिश में है। इसमें भी एडजस्ट करना है आपको तो इसको ऐसे ही लूज करना है यहाँ से और ये बटन दबा के इसको जहाँ भी आपको रखना है हाइट रिक्वायर्ड हाइट देख के इसको फिर से टाइट कर देंगे और इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ये नीचे तीन पैर ही है इसलिए इसको ट्राईपॉड बोलते हैं, ट्राईपॉड स्टिक है। हैंडल और हैंगर बाकी सब कुछ सेम है जैसे सिंगल स्टिक में देखा था। वापस इसको करने के लिए अनस्क्रू करेंगे और इसको वापस ये बटन लॉक हो गया, उसके बाद इसको फिर से टाइट करके नेक्स्ट इज क्वाड स्टिक। क्वाड स्टिक में इसका MRP है 1000 रुपीज। इसमें भी इसमें नीचे चार पैर होते हैं क्वाड में और इसमें भी एडजस्टमेंट का वही तरीका है, इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, बटन अपना डिजायर्ड हाइट पे रखेंगे और इसको वापस लॉक कर देंगे और इसको
से यूज कर सकते हैं। ये हमारी तीन टाइप की स्टिक्स हो गई टाइनर में। फिर से इसको वापस उसी हाइट पे करने के लिए अपना लास्ट पॉइंट पे लाके इसको वापस टाइट करके इसको वापस रखेंगे।